की बड़ी खबर आ रही है धार से, जहां एबी रोड NH3 स्थित खलगाट में नर्मदा नदी में हुई बस दुर्घटना संबंधित जानकारी देते हुए गृह मंत्री, आज खलगाट में हुई बस दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को मध्य प्रदेश शासन द्वारा 4-4 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान की जाएगी। के आधार पर टूटी हुई थी जो नदी से लोग भाग रहे थे उनको बचा हुआ मारा था, पर जो अभी जानकारी आई है कि उस बस में 13-14 लोग ही सवार थे और वो सभी मृत, कोई भी उसमें से बचा नहीं। जो नाम निकल के आए हैं वो चेतन राम गोपाल जागीर निवासी गायकला गोविंदगढ़ जयपुर राजस्थान, जगन्नाथ हेमराज जोशी मल्हारगढ़ उदयपुर राजस्थान, प्रकाश श्रवण चौधरी 48 साल अजमेर जलगांव महाराष्ट्र, अल्लेर या अमलेर है कुछ जगह निवासी शिवाजी आनंदा पाटिल अमल नेर जलगांव, कमल वर्मा निवाजी पाटिल 55 साल फिलोदा अमल नेर जलगांव। इस तरह के नाम जो अभी तक शनाख्त होती जा रही है वो आएंगे, जैसे जैसे आते जाएंगे हम आपको मध्यप्रदेश का भी नहीं था अभी तक शनाख्त में नहीं आया। और भी सब लोग क्या संख्या थी और भी अभी उसमें संख्या जितनी थी उतनी ही मृत हुए, कोई क्या कारण सामने आया मुआवजे का कोई ऐलान किया? ऐसा प्राथमिक तौर पर जो अभी आया है वो ये आया है कि एक मोटरसाइकिल को बचाने के लिए गाड़ी बहकी और बहक के फिर नदी में चली गई, पर ये भी प्रारंभिक जानकारी के बतौर ही है। जो वहाँ प्रत्यक्षदर्शियों से जैसी बात हुई, जिन्होंने सुबह जो नहाने गए थे उनको भगने वालों को बचा हुआ बताया, वो बचे उसके गिरने से थे। आपने बस हमने बस का माना जो अधिकारी थे, इसलिए से वो भ्रम भी आपके मान अभी मुख्यमंत्री जी आएंगे। ठीक सर।